से तीन चीजें होती हैं। बाज अवकात ये होगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर बन जाए, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन जाती है, शाबाश, तो ट्यूमर की वजह से क्या होता है? जब भी आपकी ट्यूमर होती है तो ट्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी तो क्या होगा, उस जगह से जो रिलीज होगी वो चीज की बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता था? प्रोलैक्टिन। तो अब प्रोलैक्टिन क्या होगा? प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा। जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा? प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जब प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम ये कहते होते हैं प्रोलैक्टिनीमिया। तो अब देखें क्या होगा, प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन ब्लॉक होगा, लॉस ऑफ लिबिडो, और उसके बाद क्या होगा? एमेनोरिया। सेम सिंपल ये कंडीशन होती है। क्वेश्चन क्या आता होता है देखें बच्चों, ये जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जब ट्यूमर होती है ना, ये यहां से इसके पीछे से एक स्ट्रक्चर जा रहा होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। क्या कहते हैं? एक तरह का ऑप्टिक कियाज्मा। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये ऑप्टिक कियाज्मा को ये कंप्रेस करता है। ठीक हो गया। जब आपका ऑप्टिक कियाज्मा कंप्रेस होता है ना, तो इसकी वजह से आपका बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया देखने को मिलता है। अब आप देखोगे कि सर जी ये बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया क्या है, हमने तो लफ्ज सुना ही पहली दफा है। तो जिन बच्चों ने पहली दफा लफ्ज सुने परेशान नहीं होना, अभी बस आपने ये देखना है कि इसके अंदर आप बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया देखते हैं, क्योंकि ये विजुअल पाथवे के अंदर एक बहुत लंबा टॉपिक है। अगर हम उसकी तरफ लग जाएंगे तो फिर बच्चों भूल जाओ, ठीक है, वो बहुत डिटेल टॉपिक है। तो आपको अभी पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोलैक्टिनोमा के अंदर क्या होता है, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। ठीक हो गया। ऑप्टिक कियाज्मा के अंदर कंप्रेशन हो रही होती है, बस अभी आपने इतना याद करना है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, जब मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है तो मिल्क जो होता है वो ब्रेस्ट से रिलीज होने लग पड़ता है। जब मिल्क आपके ब्रेस्ट से रिलीज होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैलेक्टोरिया। फीमेल्स आती हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हो उस वक्त कई फीमेल आपके पास प्रेजेंट करेगी इस केस के साथ। फीमेल ये कहती हैं, यंग फीमेल होती है 20 इयर्स की, 21 इयर्स की, शादी नहीं हुई होती कईयों की, वो आपके पास आती हैं और उनकी ये कंप्लेन होती है कि जो आप जो ब्रेस्ट होता है उससे जनाब जो मिल्क होता है उसका डिस्चार्ज हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो आपने तब सोचना है कि यार उसका गैलेक्टोरिया, इसको फिर आपने ये सोचना है उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने लेनी है। अगर उसके अंदर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन उसको 1 महीना होगी, फिर उसके बाद 3 महीने बाद होगी, फिर उसको 3 महीने 2 महीने बाद होगी, तो आपने कहना मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, गैलेक्टोरिया, आपने किसके पास आप पहले जाना है? सबसे पहले आपने किसकी तरफ जाना है? आपने सबसे पहले जिस कंडीशन की तरफ जाना है, आपने कहना इस लेवल, इस बंदी का सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाओ, इसके ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल चेक किया जाए कि इसके ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल कितना है। जब आपको प्रोलैक्टिन लेवल चेक करेंगे, प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होगा और आपने क्या कहना, प्रोलैक्टिनीमिया। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्रोलैक्टिनीमिया पिट्यूटरी। तो उसकी वजह वैसे आप क्या करोगे, आपने और इस देखो, आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो लड़की कोई टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से मेडिसिन ले रही हो, जैसा कि आप कहते हो कि हाँ जी जनाब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रही हो, या फॉर एग्जांपल वो फीमेल जो है वो जनाब आपकी मेटोक्लोपरामाइड की मेडिसिन काफी ज्यादा ले रही हो, आपने हिस्ट्री लेनी है। अगर वो ले रही होगी, आपने वो मेडिसिन ब्लॉक कर देनी है, उसको रोक देनी है। जब वो मेडिसिन नहीं लेगी, लड़की ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर फिर भी है, मतलब वो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने क्या करना है, आपने भाई सीधा MRI एमआरआई करवाओगे, ब्रेन के अंदर ट्यूमर मिलेगी, आपको पता लग जाएगा साइज कितना है और उसके मुताबिक आपने ट्रीट करना है। ये मेडिसिन की बातें, मेडिसिन के अंदर हम डिटेल में जाएंगे कि हाँ जी जनाब कितना साइज हो तो कैसे ट्रीट करना है, कितना प्रोलैक्टिन का लेवल हो तो कैसे ट्रीट करना है, कितना ज्यादा हो तो कैसे ट्रीट करना है, ये मुख्तलिफ तरीका। ठीक हो गया, ये आपको समझ आनी चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ और यहाँ पे आपकी आते हैं एक तरह की पैथोमा की बुक की तरफ और प्रोलैक्टिनीमिया के बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या है। एक मिनट जी, यहाँ पे कहाँ है जी प्रोलैक्टिनीमिया? देखो जी, ये आ गया जी, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तरह का प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा प्रेजेंट एज गैलेक्टोरिया एंड एमिनोरिया इन फीमेल एज डिक्रीज लिबिडो एंड हेडेक इन मेल। ठीक हो गया। मेल के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर कम और सर के अंदर दर्द। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा, भाई जान पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर पड़ी हुई है, मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या करोगे? हाँ जी शाबाश, ट्रीटमेंट क्या काम करोगे जल्दी बताओ, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करना है ना, तो प्रोलैक्टिन के लेवल हम कैसे कम करते थे ये बता लो, प्रोलैक्टिन के लेवल को हम कैसे कम करते थे? दो तरीकों से,
या तो प्रोलैक्टिन के लेवल खुद कम करता था, अब इसके अंदर तो प्रोलैक्टिन ही ना दोगे तो हम क्या करेंगे, डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स देंगे, क्योंकि डोपामिन इटसेल्फ कैन ब्लॉक द रिलीज ऑफ द फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी टू द प्रोलैक्टिन। तब क्या होगा कि हाँ जी जना प्रोलैक्टिन जो होगी डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स देंगे, और वो डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स कौन सी होती है, डोपामिन एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती है उसके बारे में आपने कहना है कैबोरग्लाइन और उसके बाद ब्रोमोक्रिप्टिन, तो हम ये जो होंगे वो देंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि हाँ जी जनाब ट्रीटमेंट इज डोपामिन एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबोरग्लाइन टू सप्रेस द प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन श्रिंक ट्यूमर। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि साइज देखते हैं क्या ट्रीट करना है, भाई ये सर्जरी भी लिखा हुआ है, अगर साइज ज्यादा होगा तो हम सर्जरी करेंगे। क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता, मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एनी वन ऑफ यू जल्दी करो, इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता होता है, इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। देखें बाजू बात ना हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह आता है कि हाँ जी जनाब के डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद लैक्टेशन नहीं हुई, मतलब कि फीमेल कहती है मैं अपने बच्चों, अगर तो बच्चों जस्ट इमेजिन अगर तो क्वेश्चन के अंदर इस तरह है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आवाज आ रही है, हेलो 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 ओके अच्छा, अगर तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह आता है ये देखें, अगर क्वेश्चन इस तरह बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। एक फीमेल आपके पास आई प्रेगनेंसी के दौरान, उसका प्रोलैक्टिन सेक्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी, पहले मुझे ये बता दे, शाबाश, उसकी जो प्रोलैक्टिन की जो सेक्रेशन है वो ज्यादा होगी या कम होगी प्रेगनेंसी के दौरान बताएं। आपके कंसेप्ट जो बेसिक है ना उसी से हम आगे आते हैं, ज्यादा होगी। प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन ज्यादा क्यों होती है, कहां से आपका प्रोलैक्टिन रिलीज होता है ये बताएं, आपका प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज होता है ये बताएं, कहां से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, कहां से रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, कहां से रिलीज होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब देखें एंटीरियर पिट्यूटरी को जब प्रोलैक्टिन का ज्यादा से ज्यादा मैसेज जाएगा तो प्रोलैक्टिन का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जो प्रोलैक्टिन होगा उसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो प्रोलैक्टिन का जो साइज होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखें जब ये आपका प्रोलैक्टिन का साइज बढ़ेगा इसकी ब्लड की सप्लाई भी ज्यादा होगी, ऐसे ही है। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, जस्ट इमेजिन करें अगर फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है उसको जनाब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के दौरान उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, जब डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक हो गया। अब उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जब उसका बहुत ज्यादा ब्लड डिलीवरी के दौरान लॉस होगा, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ क्या एंटीरियर पिट्यूटरी को उतना ब्लड पहुंच सकेगा जितना इसको मिलना चाहिए था, शाबाश, हाँ जी, क्या एंटीरियर पिट्यूटरी को उतना ब्लड पहुंचना चाहिए था जितना ये मिल सकेगा, अब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड नहीं मिलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा इसकी इन्फेक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी इन्फेक्शन हो जाएगी। जब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की इन्फेक्शन हो जाएगी तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता था, प्रोलैक्टिन, क्या अब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा। जब आपका प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है आपके मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब आपके मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं शीहान सिंड्रोम। माशाल्लाह एक हमारा क्लास फेलो था मुझे अभी भी याद है, उनसे पूछा गया तो उसने कहा था शहीन सिंड्रोम, ठीक है शहीन सिंड्रोम, तो कहते हैं शीहान सिंड्रोम का ये होता है शहीन सिंड्रोम, तो आप लोगों का ये कहना है ये क्या होता है, जब आपका शीहान सिंड्रोम शहीन सिंड्रोम नहीं होता, इस शहीन को शीहान या शहान को शहीन के साथ नहीं रिलेट करना, ठीक है क्लियर है, बात की समझ आ गई है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं शीहान सिंड्रोम। एनी वन ऑफ यू कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो, शाबाश, क्विकली रिपीट कर देता हूं। देखें सबसे पहले आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, जब ये एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो प्रोलैक्टिन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है वो कहां से बढ़ता है एंटीरियर पिट्यूटरी से बढ़ता है, बार बार आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज मिलता है जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस है वो ज्यादा होना शुरू हो जाए, अगर अगर डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस से ज्यादा होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो ब्लड होगा वो मिलेगा नहीं, जब एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड मिलेगा नहीं तो इसके नतीजे में जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगा उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, जब एंटीरियर पिट्यूटरी का स्कीम या इन्फेक्शन हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज होता था अब वो रिलीज नहीं होगा, तो
जब एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा तो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी। ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, डिलीवरी के बाद। तो जब डिलीवरी के बाद माँ जो होगी वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो क्या आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पाइजन प्रोलैक्टिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी उसका बेड़ा गर्क हो गया डिलीवरी के अंदर ब्लड ज्यादा होने की। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शीहान सिंड्रोम। क्लियर है? तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि अ फीमेल प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, क्वेश्चन नोट कर ले, क्योंकि मैं लिखने के ऊपर ज्यादा देर लगनी मेरे पास, मतलब हम, मैं चाहता हूँ कि हम टाइम को थोड़ा कंज्यूम इतना ज्यादा ना करें, थोड़ा सा बचा के रखें हम ज्यादा करें, ठीक है? कि अ फीमेल प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ, लिखते जाएं, अ फीमेल प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ विद हिस्ट्री ऑफ 1.5 लीटर ब्लड लॉस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड नो दिस फीमेल प्रेजेंट विद हिस्ट्री विद सिम्टम्स ऑफ loss of libido and amenorrhea and absent of lactation, what is your diagnosis? तो आपने कहना बच्चों शीहान सिंड्रोम, सिंपल सी बात है, ठीक है? मैंने आप लोगों को वजह बता दी कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि क्या होता है, यहाँ पे देखें, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया अक्कर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिकियाज्मा, ऑप्टिक के आसमा के कंप्रेशन होगी तो होगा बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया होगा, ये आपने देखना होता है, ठीक हो गया।